तो भाई लोग, अगर आपका बजट 15,000 है और एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो जिसमें गेम भी खेलना चाहते हो या फिर बैटरी बैकअप अच्छा मिले, हीटिंग प्रॉब्लम ना रहे, कैमरा भी अच्छा रहे, तो सही वीडियो में क्लिक किए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं। चाहे आप ऑफलाइन मार्केट में लेने जा रहे हो या फिर ऑनलाइन मार्केट में, आपको एक बेस्ट फोन मिल जाएगा दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद। और आपका जो भी नीड है ना, उस हिसाब से मैं फोन सजेस्ट भी करने वाला हूं दोस्तों। मान लो कि कोई कैमरा के लिए 5G फोन लेना चाहते हो तो उसको मैं कैमरा वाला फोन बताऊंगा, जिसको गेमिंग के लिए चाहिए उसको गेमिंग वाला बताऊंगा, या फिर जिसको ऑलराउंडर फोन चाहिए उसको ऑलराउंडर फोन सजेस्ट करने वाला हूं। मतलब आज का वीडियो देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा दोस्तों, एक बेस्ट फोन आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते वीडियो, लाइक जरूर कर देना गाइस, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना प्लीज। वीडियो देखते हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अब देखो भाई, 15,000 पॉकेट में डाल के अगर आप फोन लेने निकलोगे ना, अगर दुकान में जाओगे ऑफलाइन स्टोर में, तो दुकानदार ज्यादातर आपको सजेस्ट करेगा भाई रियलमी का 11X 5G ले लो, क्योंकि मैंने देखा है ये फोन ना ऑफलाइन में बहुत ज्यादा बिका है। या फिर कुछ दुकानदार भाई वीवो का T2X 5G भी रिकमेंड करता है, ये भी फोन मार्केट में काफी ज्यादा बिका है दोस्तों। और कुछ दुकानदार भाई सैमसंग का भी फोन रिकमेंड करता है, क्योंकि ये सारे फोन में ना कमीशन ज्यादा होता है, जिसके वजह से सजेशन करता है। और जिसको भाई टेक के बारे में नहीं पता है वो आराम से खरीद लेता है, दुकानदार ने बताया भाई अच्छा ही फोन होगा शायद। तो स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप दुकान या फिर ऑफलाइन स्टोर में फोन लेने जा रहे हो तो भाई इस झांसे में बिल्कुल भी मत पड़ना। आप खुद से रिसर्च कर लो या फिर ये वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फोन लेना है, और आपको जो लेना है वही लेना भाई, उसके बाद में कोई फोन मत लेना, क्योंकि वो लोग कमीशन के लिए फोन बेचता है। तो भाई ये ध्यान में रखना। अब कुछ भाई ऑनलाइन भी परचेस करता है फ्लिपकार्ट अमेज़न से, तो फ्लिपकार्ट अमेज़न पे जाओगे तो 15,000 के अंदर जो बेस्ट फोन मिलता है भाई, मोटो का G54 आ जाता है, इन्फिनिक्स का Note 35G भी आ जाता है, या फिर टेक्नो पोवा 5 प्रो भी आ जाता है, लावा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है स्ट्रॉम 5G ये भी आ जाता है, या फिर नार्जो 60X 5G भी आ जाता है, और पोको का X5 5G भी आता है। मतलब 8 से 9 स्मार्टफोन है, तो भाई इनमें से कौन सा फोन लू और कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा? तो ये 8 से 9 जो स्मार्टफोन है दोस्तों, उनमें से जो जो फोन लेने लायक है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद जो जो फोन नहीं लेने लायक है और क्यों नहीं लेने लायक है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्मार्टफोन यहां पर निकल के आता है इन्फिनिक्स का Note 35G, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया है दोस्तों। फोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ मिलता है, और ये भाई अलग अलग कलर में आपको मिलता है। इसका कैमरा मॉड्यूल भी काफी अच्छा है, बैक साइड में 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है, फ्रंट में पंचोल के साथ आपको फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है, और ये डिस्प्ले दोस्तों 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी करता है, ब्राइटनेस वगैरह काफी बढ़िया है, यहाँ पर जो डिटेल्स वगैरह निकाल के देता है वो भी काफी अच्छा है इसका। और इस फोन को पावर देता है भाई Dimensity 6080, जो कि एक्चुअली एक पावरफुल चिपसेट है। यहाँ पर गेम आप काफी अच्छा खेल सकते हो, फ्री फायर BGMI आराम से चला देता है, जाइडो वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। और इस फोन में दोस्तों आपको 5000mAh का बैटरी भी मिल जाता है, और साथ ही साथ 45W का चार्जर है, जो कि इस फोन को और ज्यादा बेहतर बना देता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जो कि इस बजट में ज्यादातर फोन में हमें नहीं मिलता है। बट फोन में दोस्तों ड्यूल स्पीकर भी मिल जाता है, और स्पीकर में JBL का सपोर्ट भी है, तो साउंड काफी बढ़िया निकाल के देता है, 14 5G बैंड मिल जाता है, कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आया है, लेकिन यहां पर अपडेट में थोड़ा इशू है, और कैमरा इसका थोड़ा सा मुझे नाजुक लगा, मतलब और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता था ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर आपको बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छा गेमिंग फोन चाहिए जिसका साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया हो, या फिर फोन में भाई हीटिंग प्रॉब्लम ना रहे, या फिर फोन का बैटरी बैकअप में कोई इशू ना रहे, तो ये फोन आप बेझिझक ले सकते हो। ये फोन आपको शायद 2 वेरिएंट में मिलता होगा, बट मैं आपको 8GB 256GB वाला रिकमेंड करता हूं, वही लेना अगर आप लेना चाहते हो। तो नंबर 2 की बात करें तो आ जाता है टेक्नो का पोवा 5 Pro 5G। इसका डिजाइन तो भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि बैक साइड में भाई लाइटिंग वगैरह जलता है, जो कि यूनिक लगता है देखने में, मतलब गेमिंग टाइप का यहां पर डिजाइन आपको मिल जाता है। बैक साइड में प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, फ्रंट में आपको सेंटर पंचोल डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले का साइज भी परफेक्ट है, और यहां पर दोस्तों आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, फुल HD डिस्प्ले है दोस्तों, तो यहां पर कलर वगैरह काफी अच्छा निकाल के देता है। और इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 6080 का पावरफुल चिपसेट मिल जाता है, तो गेमिंग के लिए यहां पर कोई इशू देखने को नहीं मिलता है, मतलब फ्री फायर BGMI आप आराम से खेल सकते हो, जायरो वगैरह आराम से ये सपोर्ट भी कर लेता है। और यहां पर दोस्तों आपको 5000mAh बैटरी के साथ 68W का चार्जर मिलता है, जो कि इस बजट में सबसे ज्यादा चार्जर दे देता है भाई ये फोन। कनेक्टिविटी के मामले में यहां पर 10 5G बैंड भी मिल जाता है, और साथ में दोस्तों यहां पर ना आपको 50MP का कैमरा मिलता है और 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो ये जो फोन है गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है, डिजाइन थोड़ा सा यूनिक लेके आता है, जिसको थोड़ा सा यूनिक डिजाइन पसंद आता है वो भाई इसको चूज कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये फोन कैमरा के लिए बेस्ट फोन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसका डिजाइन अच्छा है, इसमें गेम खेल सकते हो, बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाता है, और साथ में फास्ट चार्जिंग पावरफुल वाला है, तो जिसको कैमरा को छोड़ के ये सारे फीचर्स चाहिए ना वो भाई आराम से फोन ले सकता है, लेकिन कैमरा इसका डिसेंट है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो आप इसको अगर लेना चाहते हो तो जरूर से ले सकते हो। और हां, सारे फोन का मैं बाय लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा दोस्तों, वहां
वहां से डायरेक्ट आप खरीद सकते हो। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, वो भाई इंडियन ब्रांड लाभा की तरफ से अभी रिसेंटली लॉन्च किया है स्ट्रोम 5G। ये फोन आपको 8GB 128GB के साथ मिलता है। इसका प्राइस ना थोड़ा सा कम है, मतलब 13,500-14,000 के आसपास है, लेकिन इस फोन में भाई ग्लास बैक पैनल मिलता है। प्लस पॉइंट ये है कि इस बजट में कोई भी स्मार्टफोन में ग्लास आपको नहीं मिलता है, बट इस फोन में आपको ग्लास बैक पैनल मिल जाता है। देखने में सिंपल सा डिजाइन है, थोड़ा सा याद दिलाएगा सैमसंग का एस सीरीज का। लेकिन गाइस यहां पर डिस्प्ले आपको फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 50MP का यहां पर ड्यूल रियर कैमरा मिल जाता है, 16MP का यहां पर सेल्फी कैमरा है, और साथ में दोस्तों यहां पर जो बैटरी है ना वो 5000mAh का है, और यहां पर 33W का चार्जर दिया है, लेकिन सिंगल स्पीकर के साथ आता है, और साथ में यहां पर पावर देता है 6080 MediaTek का चिपसेट। तो ये जो चिपसेट है काफी अच्छा चिपसेट है, गेम वगैरह आप खेल सकते हो, आपको एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिल जाता है, ग्लास के साथ आता है। लेकिन ये भी फोन कैमरा के लिए बेस्ट नहीं है, मैं कैमरा के लिए ये फोन लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल कैमरा चाहिए, मतलब डिसेंट सा कैमरा जो कि आपको फोटो निकाल के दे, तो आपको यहां पर वो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 5G यूज कर सकते हो, गेम वगैरह खेल सकते हो, और क्लीन एक्सपीरियंस देता है, और यहां पर अपडेट भी मिलेगा, एक अपडेट दिया जाएगा जो कि लाभा ने कहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर आप सोच रहे हो भाई आपको क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए, आपको गेमिंग भी करना है, डिजाइन और बिल्ड काफी अच्छा हो, तो चेकआउट कर सकते हो, बट बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बजट इसका थोड़ा सा कम है तो आप चेकआउट कर सकते हो, और इंडियन ब्रांड की तरफ से आता है जिसमें अपडेट वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, तो वो आप देख सकते हो अपना हिसाब से। तो ये भी फोन अगर आप लेना चाहते हो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं 15,000 के अंदर, इसमें ना आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। इस बजट में कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो कि एमोलेड के साथ आता है 5G के साथ, लेकिन ये एक लोता फोन है, पोको का X5 5G। ये फोन दोस्तों थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है कि भाई एमोलेड के साथ आता है, और साथ में जो ये चिपसेट आता है वो भाई क्वालकॉम का चिपसेट के साथ आता है, और जितना सारा फोन अभी तक मैंने आपको बताया वो मीडियाटेक का चिपसेट के साथ आता है। अब ये जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 695, ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, कुछ साल पहले काफी सारा फोन में हमने देखा ये चिपसेट, और वो आपको पोको का X5 5G में मिलता है। तो जिसको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ और 5G भी चाहिए, तो डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकता है, जिसमें गेम खेल सकते हो, कैमरा भी इसका नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूंगा, तो लेना चाहो तो इसको भी ले सकते हो, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों वो भाई मोटो का G54 5G। इस साल 15,000 के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन मोटो की तरफ से है, और ये फोन क्यों सबसे ज्यादा बिक रहा है चलिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये फोन 5G के साथ तो आता है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी लेके आता है जो कि दूसरा किसी भी स्मार्टफोन में 15,000 के अंदर हमें नहीं मिलता है। पहला, यहाँ पर डिजाइन बहुत ही सिंपल तरीके का है, बैक पैनल आपको प्लास्टिक का मिलता है, फ्रंट में पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, तो सिंपल सा डिजाइन है जो कि हर किसी को पसंद आता है, और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों पावर देता है जो चिपसेट डायमेंसिटी 7020 जो कि इस बजट में कोई भी स्मार्टफोन में नहीं है, ये एक लोता स्मार्टफोन है गाइस। और साथ ही साथ यहाँ पर 50MP का मेन सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड और साथ में OIS भी दिया गया है जो कि इस बजट में किसी भी स्मार्टफोन में नहीं है, मतलब ये फोन कैमरा के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है। और साथ में दोस्तों यहां पर 6000mAh का बैटरी भी है भाई, लेकिन कुछ भाई कंप्लेन कर रहा था कि भाई इसका 6000mAh बैटरी ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं देता है, और मैंने इसको टेस्ट किया है तो मुझे भी पता है हां 6000 के हिसाब से बैटरी थोड़ा सा बैकअप कम देता है, मतलब आपको मान के चलना पड़ेगा कि भाई आपका फोन में 5000mAh बैटरी है, कुछ उस हिसाब से यहां पर बैटरी बैकअप निकाल के देता है। 33W का चार्जर वगैरह भी है और यहां पर क्लीन UI है, अपडेट वगैरह भी आपको मिल जाएगा, कनेक्टिविटी के लिए 12 5G बैंड भी दिया है, और साथ में यहां पर आपको डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब दो स्पीकर का भी सपोर्ट है, तो साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है इस फोन का, मतलब 15,000 के अंदर एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन अगर आप चाहते हो ना तो मुझे लगता है यही आपके लिए है, क्योंकि इसका कैमरा भी काफी बढ़िया है, इसमें गेम भी खेल सकते हो, इसमें स्पीकर भी काफी बढ़िया दिया है, और बैटरी बैकअप भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन कुछ भाई यहां पर कंप्लेन किया था कि भाई ये फोन थोड़ा सा हीट होता है, हां भाई ये फोन थोड़ा सा मैं भी टेस्ट किया हूं, थोड़ा सा हीट होता है, बट ओवर हीट इसको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, मतलब फोन थोड़ा सा हीट जरूर होता है लेकिन फोन उसके वजह से भाई हैंग या फिर लैग बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको नॉर्मल हीटिंग में कोई इशू नहीं है तो ये फोन आप बेझिझक आग बंद करके परचेस कर सकते हो। ये था टॉप 5 5G स्मार्टफोन जो कि अंडर 15,000 आता है, बेस्ट मुझे लगा वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब Realme का 11X 5G जो आता है वो क्यों नहीं लेना है भाई, क्योंकि वहां पर 8MP का सेल्फी कैमरा है दोस्तों, और डायमेंसिटी 6100 प्लस जो चिपसेट मिलता है वो सस्ता वाला चिपसेट है गाइस, तो मैं इसलिए उसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूं। और नार्जो 60X का क्या ही बताऊं, वो तो भाई रीब्रांड है 11X 5G का, तो उसको भी भाई बिल्कुल भी मत लेना, और Vivo का T2X क्यों
नहीं लेना है क्योंकि वहां पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और उसका भी प्रोसेसर मुझे उतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको रिकमेंड नहीं किया। और सैमसंग का फोन बिल्कुल भी मत लेना गाइस, क्योंकि सैमसंग का फोन ना 15,000 या फिर 20,000 के अंदर तो नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सैमसंग इस बजट में फीचर्स में काफी ज्यादा कंजूसी दिखाता है। ये था दोस्तों क्लियर ओपिनियन। अब आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई कौन सा फोन आपको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, तो आप उस हिसाब से चूज कर लेना। बाकी आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सारे फोन का बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूं, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग।